हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो हमारी होने वाली है, इसमें हम रोमन एम्पायर के बारे में बात करेंगे। रोमन एम्पायर जो है हमारा, ये मिडिवियल हिस्ट्री जब पढ़ते हैं हम वर्ल्ड की, उसका एक पार्ट है। अगर रोमन एम्पायर को हम ना पढ़े तो हमने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ ही किया यहाँ पर। तो रोमन एम्पायर जो है, काफ़ी हिस्सों में जो रोमन हिस्ट्री है उसको हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पर पहला आता है हमारा एशियन रोम, इसको हम बोलते हैं किंगडम ऑफ रोम। देन आता है हमारा रोमन रिपब्लिक, जहाँ पे कुछ हद तक एरिस्टोक्रेसी होती है, मतलब जो डेमोक्रेसी का कुछ टाइप होता है, जहाँ पे एलाइट क्लास वोटिंग कर सकती थी उस टाइम। देन आता है उसके बाद रोमन एम्पायर, एंड देन फिर हम देखते हैं भैया जब डिवाइड हो जाएगा और डिसॉल्व हो जाएगा वेस्टर्न रोमन एम्पायर, तो आएगा बाइजेंटाइन एम्पायर। रोमन एम्पायर में हमने एशियंट हिस्ट्री पढ़ ली है इसकी, रिपब्लिकन रोम भी पढ़ लिया है हमने। बाइजेंटाइन का मैंने पहले से ही वीडियो को अपलोड कर रखा है, और आज की वीडियो जो है ये रोमन एम्पायर के ऊपर है। अगर इनमें से कोई सी वीडियो आपको देखनी हो तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यहाँ पर, वरना फिर प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं चैनल पर आप। तो इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें तो रिक्वेस्ट आपसे रही कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपकी नई वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो लाइक भी करें। कुछ सजेशन हो, कोई दिक्कत, कुछ पार्ट रह गया हो हिस्ट्री में, क्योंकि हम सारी हिस्ट्री तो नहीं पढ़ पाएंगे, जो इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया हो तो आप उसको सजेशन भी दे सकते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले रोमन एम्पायर एस्टैब्लिश कैसे हुआ। इस्टेब्लिश तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सीरीज चल रही थी, एक देश बन चुका था, सॉरी देश क्या कहते हैं हम यहाँ पर, उस टाइम एक चलता था सब नेशन स्टेट का, कि जैसे कि आज हम देखते हैं कि एक मुसलमानों का एक देश अलग है, हिंदुओं का देश अलग होना चाहिए, यहूदियों का देश अलग होना चाहिए, या फिर हम देखते हैं अपने देश में हमारे भारत के अंदर हम देखें जो कि स्टेट होते हैं, नेशन स्टेट की बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ राज्य के बारे में, जहाँ पर भाषा के आधार पर देश हैं, बोलियों के आधार पर देश बने हुए हमारे देश के अंदर। तो वो क्या है कि हम एक बोली बोलने वाले हैं कि हमारा देश होना चाहिए यहाँ पर। तो उसी तरह का यहाँ पर कुछ सिस्टम निकल कर आता था कि भैया हम लैटिन हैं, सारे लैटिनियम रीजन में रहते हैं हम, ये जो पेनिनसुला है यहाँ पर, इसको कहा गया था लैटिनियम रीजन। तो शुरुआत यहीं से होती है कि हम अपना देश बनाते हैं, एक बड़ा एक अपना नेशन स्टेट बनाएंगे यहाँ से। फिर वो बढ़ते 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 यहाँ पर आता है कि जूलियस सीजर तक वहाँ पर पहुँच जाता है। तो जूलियस सीजर होता है, इससे पहले एक सिस्टम चलता था रोमन एम्पायर, इसको हम कहते हैं रोमन किंगडम, जहाँ पे काउंसिल होती थी, मतलब दो काउंसिल होते थे यहाँ पर। उनको अगर हम देखेंगे जो लैटिन वर्ड में बोलते थे, कॉन्सोल बोलते थे वो उसको, तो काउंसिल जिसको हम बोलते हैं मजिस्ट्रेट, देखते थे कि वो देश के अंदर दो हुआ करते थे यहाँ पर। देन हम देखते हैं भैया जो काउंसिल थे उसमें क्या होता है कि बाद एक काउंसिल यहाँ पर चेंज होता है लगातार, टाइम आएगा यहाँ पर BC का, मतलब बिफोर क्राइस्ट में अच्छी, मतलब अगर हम देखें 46 से लेकर 94 तक यहाँ पर 6-7 काउंसिल बदल जाएंगे, मतलब स्पीड से बहुत जो खास यहाँ पर आएंगे। फिर आता है यहाँ पे जूलियस सीजर। अब जिस टाइम जूलियस सीजर यहाँ पर आएगा, इसका जब रेन आएगा, जब रूल करेगा, उस टाइम जो काउंसिल था वो बड़ा क्रूल था यहाँ पर। और एक फ़ायदा यहाँ पर ये था कि काउंसिल जो था उसने कहा भैया हम देश को बांटते हैं 3 हिस्सों के अंदर, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो पर्पस होता है उसकी, नहीं भैया एक हिस्सा तुम संभाल लो, एक संभाल लूँगा मैं, एक जो ये जूलियस सीजर इसको दे डालते हैं हम यहाँ पर। तो जूलियस सीजर है, इसको मिलता है भाई ये वाला हिस्सा, जहाँ पर जाकर ये जो ये ब्रिटेन है उसको कॉन्कर करता है। ऑक्टेवियन को मिलता है ये वाला हिस्सा यहाँ का, जहाँ पे इनकी बातचीत बनती, कहती कि प्रेम संबंध बनता है, क्यूगेट्रा जो थी यहाँ पर, क्यूपेट्रा जिसका नाम था यहाँ पर, ठीक है। फिर एक और होता है एंटनी नाम होता है उसका, उसको ये वाला हिस्सा मिल जाता है। तो जूलियस सीजर क्या करेगा भैया, इनको मारेगा, इधर वालों को ख़त्म कर डालेगा। और जो इनका एक सिस्टम बना था कि 3 राजा बनकर राज करेंगे, देश तो एक ही रहेगा और सुप्रीम जो होगा वो रोमी बैठेगा यहाँ पर। तो मैक्सिमस कहते थे उसको, वो यहाँ पर एम्परर देव मैक्सिमस नाम था उसका यहाँ पर। तो वो चीज़ यहाँ पर इसने ख़ुद ख़त्म कई जूलियस सीजर ने, पहले इसको मारा, फिर इसको मारा, फिर जो उसके ओपोनेंट थे जूलियस सीजर के, जिसके खिलाफ थे, उन्होंने इसको ही मार दिया, असैसिनेशन का यहाँ पर हो गया। देन यहाँ पर फिर वो सिस्टम चलेगा दोबारा से कि ऑक्टेवियन आएगा, इसका परपोता है यहाँ पर ये, फिर एक सालोग जो साथ में होगा उसके साथ दिबाते, ये मतलब एक हम कहते हैं सेकंड ट्रिक्यूमेट बनता है यहाँ पर, कि 3 राजा बनते हैं फिर से देश के, 3 एम्परर बनते हैं अलग अलग। उसको भी जो ऑक्टेवियन है धीरे धीरे ख़त्म कर डालेगा, कहते हैं कि क्यूपेट्रा को शायद इसके टाइम में मारा गया था, इसके टाइम पर ही जो लेजेंड्स होती हैं ज़्यादा, क्योंकि पक्की हिस्ट्री नहीं मालूम हमें इसके बारे में, कि जो लेजेंड्स कहती हैं कि क्यूपेट्रा का संबंध अपने, मतलब उसकी शादी उसके सगे भाई से हुई थी खुद के, तो उसका भाई को डर था कि ये राजी ना बन जाए, तो उसने चाह के मरवा दूँ अपनी बहन को, या शादी कर लेता हूँ उससे, शादी कर लेता है वो यहाँ पर। फिर ये देखते हैं कि जूलियस सीजर से ये मोहब्बत करती है, तो प्लानिंग करता है मरवाने की, उल्टा ही उसको मरवा देती है भाई को अपने,
और फिर देखते हैं जो रोमन एम्पायर जो है, जो उसका एक पार्ट बन जाता है, प्रोविंस बन चुका होता है उस टाइम तक यहाँ पर जो इजिप्ट है। तो वहाँ का जो हमने कहा ना कि जो सेकेंड यहाँ पर ट्रिक्यूमेट बनी थी, मतलब त्रिपक्षीय राज्य बना था यहाँ पर, उसका एक राजा बनता है, उससे शादी कर लेती है यहाँ पर ये। बाद में इसको भैया ये ऑक्टोवियन जो है ऑगस्टस बनेगा, ठीक है, जब ये थ्रोन पे बैठेगा ऑगस्टस सीजर अपना नाम अडॉप्ट करेगा और ये रूल करेगा 27 BC से लेकर 1400 BC तक, सॉरी 14 BC तक यहाँ पर। और इसको वहाँ जो सारे जितने भी जो प्रोविंसेस वाला जो सिस्टम था सारा का सारा, उसको डायरेक्ट कंट्रोल में ले लेगा यहाँ पर। और जो कौंसिल है, जो कौंसुल जो होते हैं यहाँ पर, इनको कौंसिल बोलते हैं हम यहाँ पर इस टाइम में, उनको बर्खास्त कर देगा बिल्कुल एक तरह से। हालांकि यहाँ पर अगर हम देखें जब ये बैठेगा गद्दी पर ऑगस्टस, क्योंकि ये बहुत ताकतवर राजा था अपने आप में, जितने भी सारी रिबेल्स होंगे यहाँ पर, बगावतें हैं, अटैक्स जो कर रहे थे, ये बार बार गोल हों, बारबेरियन ट्राइब हों, जर्मेनिक ट्राइब्स हों यहाँ पर, इन सब को एक बार में क्रश करके कंट्रोल में ले लेगा। और इसका जो टाइम है, पीरियड जो होगा, वो कहलाएगा यहाँ पर स्टेबिलिटी का और पीस का पीरियड। यहाँ पर जब ये थ्रोन पे बैठेगा तो कुछ ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करता है, जिसकी इसको ख़ास तौर पे जानते हैं। ये एक गवर्नमेंट का सिस्टम बनाता है, इसको कहते हैं प्रिंसिपेट, इसको हम नॉर्मली बोलते हैं यहाँ पर, मतलब कुछ हिस्सा तुम्हारा कुछ हिस्सा मेरा वाला हिसाब जो होता है इसके अंदर, कि पार्टिसिपेट कर लेते हैं वाला हिसाब यहाँ पर है। तो इसने क्या करा भाई, जो ट्रेडिशनल फॉर्म थी मोनार्की, मोनार्की को उन्होंने ले लिया यहाँ पर, कि जो मोनार्क जो होगा वो हेड होगा, अब कौंसिल नहीं होगा। फिर जब वहाँ पर मोनार्की थी, मोनार्की में ये था कि भाई लोग चुनेंगे, उसको हटा दिया इसने, उसको नहीं लिया। इसने लिया कि एक सीनेट होगी, लोगों की संसद होगी एक तरह से, सभा होगी होगी यहाँ पर, उसको ले लिया। तो ये सिस्टम बनाया इसने गवर्नमेंट का, कि भाई राजा जो होगा वो मुखिया होगा, उसका ही अंतिम जो जो डिसीजन होगा वो लेगा यहाँ पर, और जो सीनेट वगैरह जो है छोटे मोटे जो काम होंगे देखने, वो देख लेगी सीनेट अपना आप। और अगर कोई फैसला है उसको कैंसिल करना सीनेट का, तो वो फैसला जो जो एम्परर है वो कैंसिल कर सकता है। यहाँ पर जो कौंसिल है उससे निकल कर आता है इम्परेटर्स वर्ड, लैटिन के अंदर निकल कर आता है कौंसोल से इम्परेटर। जो कौंसिल के पास मिलिट्री पावर हो, पहले कौंसिल जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव थे, बाद में उनको मिलिट्री मिल जाती है, यहाँ पर पुलिस थी मतलब आर्मी नहीं थी, तो वो इम्परेटर बन गए बाद में। जो यहाँ पर निकल के वर्ड आता है एम्परर, वो वहीं से निकल कर आता है इम्परेटर से ही, ये मतलब लगाया जाता है हिसाब इस तरह से। देन यहाँ पे देखते हैं भैया सीनेट चल रही है वैसे कि वैसे ही, ऑगस्टस जो है यहाँ पे प्रिंसेप्स बन गया यहाँ पर, कि ऑल इन ऑल फर्स्ट यहाँ पर सिटीज़न हूँ देश का, और सारे कंट्रोल गवर्नमेंट का मेरे हाथ के अंदर, जो आखिरी चरण होगा वो मेरा होगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक पंगा था कि ऑगस्टस ने भैया राज्य तो बना लिया अपना, नेशन स्टेट तो यहाँ पर ये नहीं है, अब जो रहा वो नेशन स्टेट नहीं है, वो तो बहुत सारे लोगों ने जहाँ पर कब्ज़ा कर लिया, कब्ज़े में ले लिया उसको, जो एम्पायर जो उसका एक्सपेंशन कर लिया। अब इसको डर लगा, भैया मैं तो मर जाऊँगा, कौन संभालेगा देश को यहाँ पर, उसके कोई बच्चे तो यहाँ पर थे नहीं। तो उसने क्या करा भैया, अपने पैर तो उन्हें सोचा, अपने एक लड़के को जो उसका नाम था टाइबेरियस, ये एरिस्टोक्रेट था, मतलब अमीर आदमी था, बिल्कुल अमीर तबके का आदमी था, इसको बनाया इसने अपना सक्सेसर, और ये 4 AD बैठेगा गद्दी पर और बाकी चलता रहेगा ये। इससे पहले क्या होता है, मीनवाइल जब ये ज़िंदा होता है तो ये अपने नेफी भतीजे को, इसका नाम होता है मार्केलस, उसको चुनता है अपना सक्सेसर और उसको एक प्रांत डालता है, तो भैया रूल कर यहाँ पर और संभाल और सीखने सीख कर। बाद में उसको लगता है मेरे से गलती हो गई, भतीजे को मैंने चुन लिया अपना, मुझे बर्बाद दी है, तो उसको डिनाई कर डालता है यहाँ पर, ठीक है। फिर अपने दामाद को चुनता है, इसका नाम यहाँ पर अग्रिप्पा बनाया गया है यहाँ पर, इसको भी हटा देगा फिर यहाँ पर। फिर चुनता है अपने ग्रैंड सन को, भैया अपने पोते पर पोते को, पर पोते को, पोते को चुनता है यहाँ पर, इसका नाम होता है जायस, जिया जिसको बोलते हैं हम यहाँ पर, उसको भी हटा देगा बाद में ये खुद ही डर के मारे। फिर मरने से कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर ही कहता है, भाई टाइबेरियस तू ही बन जा, तू रूल कर ले यहाँ पर। तो एरिस्टोक्रेट होता है, ये रूल करता है, देन ये रूल करता है यहाँ पर 14 AD से 33 AD तक, एनो डोमिनो मतलब ईसा मसीह की पैदाइश के बाद, वो वक्त है यहाँ पर, ये BC का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है, मतलब कितनी पुरानी हिस्ट्री पढ़ रहा है हम इनकी यहाँ पर, मिडिवियल हिस्ट्री है कि यहाँ पर ये हमारे उसमें से लेकर आते हैं इसको यहाँ पर, हम एशियंट हिस्ट्री से मिडिवियल हिस्ट्री तक हमारा है अभी यहाँ पर। तो हिस्टोरियन जो हिस्टोरियन है वो कंसिडर करते हैं हम इसको यहाँ पर, कि भैया बहुत ही क्रूर हो रहा था यहाँ पर ये टाइबेरियस, जो कि जूलियो चुलाइडियन डायनेस्टी से आता है यहाँ पर। जो रोमन एम्पायर है अगर हम पूरा देखें मिलाकर
बाइजेंटाइन एम्पायर को भी, तो 22 डायनेस्टीज़ रह पे यहाँ पर रहेंगी, 22 खानदान हैं, परिवार जो रहेंगे वो राज करेंगे इसके ऊपर। इतने लंबे टाइम तक रहेगा, इस वजह से इतने लंबे तक ये फैल भी जाएगा दूर तक यहाँ पर। बाद में ये जो है टाइबेरियस गद्दी से भैया हटता मर जाता, मतलब मरने को आता है यहाँ पर ये। तो इसका क्या होता है, ग्रैंड नेफ्यू पर पोता मतलब भतीजा वही वाला हिसाब है, कैल्यू का नाम था यहाँ पर, वो सक्सीड करता है इसको। मगर ये भी क्रूर होता है और बेवकूफ़ बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर। ये डिसऑनर करता है सेनेटर्स को, अपने खिलाफ कर लेता है यहाँ पर। जब लोग इसके ख़िलाफ़ मर्डर वो करते हैं कि भाई असैसिनेशन की कोशिश होती है कि इसको मरवाया जाए, बहुत ज़्यादा क्रूर है यहाँ पर ये, और बेइज्जती बहुत ज़्यादा कर रहा है सेनेटर्स की। जो एरिस्टोक्रेट होते हैं उससे मरवा दें इसको, हम कोशिश भी करते हैं भाई, अटैम्प्ट भी होता है असैसिनेशन का, मगर पकड़ लेता है ये लोगों को वहाँ पर। अब जो पकड़ में आ गए वो अपना मुँह खोलते हैं, उनको मारेगा जिन्होंने करवाया था, उनको मारेगा और इतना मर्डर करेगा लोगों को, इतना मारेगा, खूब मारेगा, कत्लेआम करवाता है देश के अंदर अपने, ये जहाँ जहाँ जो जो मिलेगा सीनेटर्स को मरवाएगा। जो गवर्नर्स थे वो उसकी जो कहा कि भाई मेरे ख़िलाफ़ हैं ये लोग, जहाँ शक भी हुआ उसको उनको ही मरवा दिया इसने। तो जनता हो जाती है भाई इसके ख़िलाफ़। देन फिर यहाँ पर ये रूल तो फिलहाल करेगा ही करेगा, यहाँ पर कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएगा इसका रूल यहाँ पर। अभी मैंने एक चीज़ बोली थी जो मैं फिर भूल गया था, मैंने कहा था कि भाई पीस का टाइम था यहाँ पर। हाँ, जो ऑगस्टस का टाइम है इसको हम पैक्स रोमन भी कहते हैं, रोमन पैक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये है शांति काल, 180 डी तक रहा, यानी कि मैं फिर भी देखूँ तो यहाँ पर तो शांति थी नहीं, ना यहाँ शांति थी, मगर फिर भी जो उनके हिसाब से जो हिस्टोरियन कंसिडर करते हैं इनके कि हाँ ये इतनी शांति तो थी फिलहाल, जो पहले नहीं थी शांति अब भी थी यहाँ पर। तो इसको पैक्स रोमन कहते हैं, रोमन पीस कहते हैं, और ये इसलिए कहा जाता है, सुनिए बात को, कि मर्डर वगैरह सब हो रहे हैं यहाँ पर। हिस्टोरियन ये कहते हैं, उनके जो रोमन हिस्टोरियन हैं, कि भाई ऐसा इसलिए है कि जो स्टेबिलिटी थी राज्य के अंदर, ना तो हमला होता था इतना ज़्यादा, हमला था तो जो एम्परर था ताकतवर था वो क्रश करता था रिबेल को यहाँ पर, सॉरी अटैक को यहाँ पर, और जो रिबेल हो गए उसको क्रश कर डालता था यहाँ पर। तो ये स्टेबिलिटी का टाइम था यहाँ पर। फिर देखते हैं हम बाद में, काफ़ी लंबा टाइम गुजरता है यहाँ पर, जो क्लॉडियस बैठेगा गद्दी के ऊपर, ठीक है। पहले ही जब बात करो ना, अच्छा बीच में गुजर गया, नहीं क्या हुआ है ये, क्लॉडियस बैठता है गद्दी के ऊपर, तो यहाँ पर देखेंगे जो कलयुगा है इसके नंबर बाद बैठता है यहाँ पे क्लॉडियस, ठीक है। तो ये फिर कैप्चर करेगा ब्रिटेन को, आसपास के जो बड़े बड़े रीजन हैं उसको कैप्चर करेगा यहाँ पर। मगर जब इतना कैप्चर करेगा तो लोग इसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे यहाँ पर। जो इससे पहले था कलीगुला जिसको हम कहा, उसको उसके किसने मरवाया, पैट्रियन गार्ड ने, जो सुरक्षा गार्ड, उसने मार दिया इसको। और जो क्लॉडियस है यहाँ पर, इसको मार दिया इसकी बीवी ने, मरवा दिया यहाँ पर। फिर भैया दूसरा रूलर आएगा यहाँ पर, और फिर कुछ रूलर और भी आएंगे, मगर इतना ज़्यादा अनरेस्ट होगा यहाँ पर एम्पायर के अंदर, यानी ज़्यादा लड़ाई झगड़े सिविल वॉर होंगे, कि जब उनकी लड़ाइयाँ आपस में होंगी तो उस टाइम एक रूलर बैठेगा नियो, जिसको डर लगेगा अपनी मौत का खुद का, और उसका कोशिश भी हो चुकी होती है, अटैम्प्ट हो चुका है असैसिनेशन का यहाँ पर, तो वो जहर खा के खुद मर जाएगा यहाँ पर डर के मारे। और जो ये जूलियस चोलाइन डायनेस्टी थी उसका हो जाएगा यहाँ पर एंड, ठीक है। तो इस पीरियड को यहाँ पर हम कहते हैं द ईयर ऑफ फोर एम्परर। ये पार्ट अभी रहता बताऊँगा मैं आपको। इसमें चार एम्परर जो होते हैं यहाँ पर, गैबला, ओथो, वेटेलियस एंड वेस्पीरियन। अब वेस्पीशियन जो है यहाँ पर, ये फ्लाविन डायनेस्टी का रूलर है यहाँ पर, अलग डायनेस्टी है फिर से यहाँ पर, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पर कहा कि भाई ये कहाँ चेंज हो गया थोड़ा सा, सॉरी, ठीक है, फिलहाल हम आगे चलते हैं, मैं दोबारा बता दूंगा आपको पीछे से। तो ये जो वेस्पीशियन है बैठेगा गद्दी के ऊपर, दैन बाद में किसके बाद बैठेगा यहाँ पर, क्लॉडियस के बाद, जिसको उसकी बीवी ने मरवा दिया। इसने अनरेस्ट फैलाया, लोग इसके खिलाफ हो गए, इसको मार दिया गया यहाँ पर। अब ये जो पांच रूलर आते हैं यहाँ पर, ये आते हैं लव बेबल, मतलब जिसको हमने उन्होंने बहुत ही बेबल मतलब रूलर मतलब यहाँ पर हैं कि जिसको बहुत ज़्यादा पसंद करा रोमन्स ने खुद यहाँ पर। ये आएंगे पांच रूलर जिनको कहा जाता है फाइव गुड एम्परर। चार एम्परर आएंगे पहले जिनको मार दिया जाएगा यहाँ पर, पांच एम्परर आएंगे उसके बाद ऐसे कि भैया जो प्यार मोहब्बत से रहेंगे देश के अंदर, राज करेंगे आराम से, ठीक है। ये कौन कौन से हैं यहाँ पे, मार्कियस पोकुलस नेरवा, त्रजान जिसको हम बहुत मशहूर है उस टाइम के अंदर का, हेड्रियल, एंटीनियस पाइस और मार्कियस और एलियस।
तो ये पांच वर्ड ऐसे आएंगे जो बड़े प्यारे मोहब्बत करने वाले जो मतलब बन के आएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं पहले इस चीज़ की, जब मैंने कहा था जब ये बैठेगा गद्दी पे वेस्पीसियन जो बैठेगा, तो ये देखेगा भैया मारे जा रहे हैं लोग, अब मुझे नहीं मरना, मैं कुछ चेंजेस करता हूँ आर्मी के अंदर। आर्मी को करता है ये रीऑर्गेनाइज, उनको ट्रेनिंग देता है अच्छी अच्छी और उनको अपने पर्दे करवाता है लॉयल, यहाँ पर डायरेक्ट पेमेंट अपने साइड से। पहले क्या था कि डिपार्टमेंट है वहाँ से पेमेंट मिलेगी, अब पेमेंट कौन देगा, डायरेक्ट रोल देगा यहाँ पर, एक्सपेंशन करेगा सीनेट का यहाँ पर ये, कि लोग शामिल हो पाएँ। वजह क्या है कि उस टाइम तक यहाँ पर क्या है, एम्पायर एक्सपेंड हो चुका है बहुत ज़्यादा, तो सब लोग शामिल नहीं है उसके अंदर देशों के, हर प्रोविंस के, तो शामिल करेगा उनको लोगों को राज़ी करने के लिए यहाँ पर, ठीक है। टैक्सेशन को यहाँ पर सिस्टमाइज करेगा, इंक्रीज़ करेगा यहाँ पर, और जो फ्रंटियर्स हैं जहाँ पर ये जो ऊपर का हिस्सा जो है यहाँ का, इसको प्रोटेक्ट करेगा, मगर ये कुछ खास ऐड नहीं कर पाएगा एम्पायर के अंदर। देन ये बाद में ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा जब ये, इसको सक्सीड करेगा यहाँ पर डोमिशियन, ठीक है। ठीक है, डोमिशियन जो है बाद में मार दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये पांच रूलर आएंगे यहाँ पर 96 के अंदर, 2 साल ये करेगा राज, फिर ये काफ़ी टाइम तक राज करता है यहाँ पर, 19 साल इसका रेन है, इसका भी अच्छा टाइम यहाँ पे रहता है। और फिर आता है मार्कियस ऑरियस जो आखिरी रूलर है, जिसके टाइम में यहाँ पर पीस मेंटेन रहेगी, फिर पीस ख़त्म बिल्कुल राज्य से। इसलिए मैंने यहाँ पर ये जो वर्ड था शायद थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे लिखने में, तो ऑरियलियस जब ख़त्म हुआ, मर गया जब, उसके बाद बैठता है कॉमंडस यहाँ पर, कमांडो जिसको जो भी बोल सकते हो आप भाई, ठीक है। क्योंकि जो ये वर्ड हैं ये लैटिन के वर्ड हैं, हम तो उसको जो इस तरह से पढ़ने चेंज कर लें उतने ही कम है, वो पता नहीं कैसे बोलते होंगे इन वर्ड्स को यहाँ पर, ठीक है। तो ये बैठता है गद्दी पर और ये इतना इनकैपेबल रूलर होता है यहाँ पर कि मिस गाइड करता है पूरे अपने एम्पायर को, और मिस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इसके टाइम में यहाँ पर होगा। जब मिस मैनेजमेंट होगा तो भैया जो प्रोविंस के रूलर होंगे ना, वो सर उठाएंगे, सीधी बात है, यही कमंडस वाला। तो ये वीक रूलर बहुत ज़्यादा यहाँ पर, और इसके टाइम में ही शुरुआत हो जाती है रोमन एम्पायर की डिक्लाइन की। मतलब सिर्फ देखो कहाँ 150 साल तक इनकी पावर बरकरार रहती है, जो एक बार में रही, फिर जब डिक्लाइन हुई तो फिर वो समझ के आपस नहीं आती। हालांकि बहुत से एम्परर आएंगे, वो रीगेन करेंगे रीजन को आपस से, मगर वो बात नहीं आएगी फिर से इनके पास। तो ये कमांडर्स करता क्या है भैया, इतना पैसा खर्च करता है अपने हवस के ऊपर, खर्चों के ऊपर, बिल्डिंग बनाना, वॉर करना, मगर जीतता कुछ खास नहीं है फिर भी यहाँ पर ये। इससे क्या होता है, यहाँ पर जो जर्मन जो रोमन एम्पायर है वो कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। बहुत सारा पोर्शन जो है जर्मनिक ट्राइब्स से, गॉल्स से, यूरोपियन बारबेरियन ट्राइब्स से, उनके हाथ ये हार जाएगा अपना, मतलब जो ईस्टर्न नॉर्दर्न साइड उसको हार जाएगा बहुत सारा यहाँ पर। और एक हिस्टोरियन है, ग्रीक हिस्टोरियन, इसका नाम है डायोस्कोसियस, वो उसको कहता है भैया ये तो ऐसा इंसान है कि जिसने अपने किंगडम को, जो सोने का राज्य, मतलब बहुत पैसा था वहाँ पर, उसको ले गया ये जंग के ऊपर, लोहे के जंग के बराबर ले गया राज्य को, मतलब इतना बर्बाद करा अपने देश को। देन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कब तक रूल करता है यहाँ पर, टाइम मैंने लिखा नहीं है। इसके बाद कुछ रूलर बीच में आते हैं यहाँ पर, और फिर जो एम्पायर है दोबारा, मतलब कुछ रूलर बीच में आएंगे यहाँ पर, वो ठीक करेंगे कंडीशन, थोड़ी सी ठीक हो पाएगी यहाँ पर, फिर दोबारा भाई हाल यहाँ पर अनार्की, सिविल वॉर और एसोसिएशन की अटैम्प्ट होंगे यहाँ पर, कूप बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत कूप होते हैं इसके अंदर। तो फिर से वही चीज़ शुरुआत होगी यहाँ पर 1235 से लेकर, तो चाहते हैं यहाँ पर चलती 50 साल ये चलेगी चीज़। बारबेरियन अटैक होंगे, अनार्की बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पर, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी, जिससे क्या होगा, जो एम्पायर है और करीब पहुँच जाता है अपने डिक्लाइन के। जब ये डिक्लाइन के करीब पहुँचेगा यहाँ पर, तो एक निकल कर आता है इनका हीरो, जिसका नाम है डिक्टेलियन, ठीक है। ये एसेंडेंट खुलेगा थ्रोन यहाँ पर 284 AD में, और ये जो लॉस्ट होगा पार्ट होगा एम्पायर का, बहुत बड़ा एम्पायर का जो पार्ट है, उसको आपस रीगेन कर लेगा यहाँ पर, तो ये फिर बाद में आएगा भैया एम्पायर को देखेगा, भैया अब हमें चाहिए वो चीज़ कि एम्पायर जो है सही से चल पाए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो मुखिया मुखिया इंसान बैठे, जो प्रोविंस हैं उनके गवर्नर के ऊपर मुखिया होना चाहिए, उनके सिर के ऊपर बैठा हुआ, उनके सिर पे बैठ जाऊंगा मैं जाके। तो ये एम्पायर को हिस्टोरियन कहते हैं कि ये डिवाइड करता है 2 पार्ट के अंदर, कुछ कहते हैं इसने 3 पार्ट में करा, कुछ कहते हैं भैया इसने 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करा इसको, अब कौन सा बेहतर है हम तो जानते ही नहीं फिलहाल, ठीक है।
तो ये पहला पार्ट जो हमारे पढ़ेंगे इसमें वो ये है कि इसने एम्पायर को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करा, ईस्टर्न और वेस्टर्न। वेस्टर्न के अंदर अलग एम्पायर बैठा और ईस्टर्न के अंदर अलग एम्पायर बैठा, मगर जो रोम है वहाँ का हेड ही वहाँ का रूलर यहाँ पर रहा। ठीक है, देन यहाँ पे हम देखते हैं बाइजेंटियम एम्पायर इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर, बाद में ही होगा हालांकि, मगर कुछ आबादी वहाँ बसनी शुरू हो चुकी होती है, मतलब राजधानी नहीं बनती फिर भी वहाँ पर। ठीक है, दूसरा बताया जो गया है कि तीन पार्ट के अंदर बांटता है यहाँ पर, इसको कहा गया टेट्रार्ची, मतलब तीन लोग यहाँ पे रूल करेंगे, और इसमें रूल करने के लिए ये यहाँ पे अपने जो कलीग्स होते हैं जो लॉयल होते हैं इसके लिए उनको ही यहाँ पर ये इस्तेमाल करेगा। पहले बनेगा ये खुद हिमसेल्फ बिकम अगस्टस डायरेक्टियन अगस्टस यहाँ पर, और ये बनेगा मैक्सिमस यहाँ पर, मैक्सिमम मैंने लिखा ना मैक्सिमस बोलते हैं इसको वहाँ पर, के ऑल इन ऑल मैं हूँ, सबसे बड़ा जो एम्परर है वो मैं हूँ। और को एम्परर कौन बनेगा यहाँ पे, कॉन्स्टेंटियस, जो बनेगा कहाँ पर, सीजर बनेगा कहाँ पर जाके इसके, मतलब बाद में, पहले तो वो रूल यहाँ पे करेगा, देन ये जब मर जाएगा यहाँ पे कूप करेगा पकड़ के, अटैक करके जीत लेगा रोम को वापस से, और बन जाएगा सीजर, जूलियस सीजर के मतलब नाम को इस्तेमाल करता है यहाँ पर ये 293 में। इसको इसका मर्डर हो जाएगा, मार दिया जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, फिर ये बन जाएगा यहाँ पर ग्लैरियस, ये क्या है कि बाप के बाद बेटा बन जाता है, तो इसको मार के ग्लैरियस बन जाएगा सीजर सेम ईयर के अंदर। और कुछ टाइम बाद ये क्या होगा, जो ये सिस्टम था टेट्रार्ची का डिसॉल्व हो जाएगा यहाँ पर, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी भैया कौन हमारा मुखिया है, और इनके बीच वही बात है कि भाई भरोसा नहीं रहेगा यहाँ पर। अब एक कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि इसको चार पार्ट के अंदर बांटा गया था, कि ऐसा था कि एक रूलर यहाँ पर है, एक इस एरिया में होगा, एक इसमें होगा और एक इसके अंदर होगा। तो ये इसलिए था कि एडमिशन जो है वो अच्छे से चल पाया यहाँ पर, मगर जो हेड होगा वो रोम के अंदर ही बैठेगा यहाँ पर, जो मेन एम्परर है। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारा क्या होता है भैया, कि जो जो यहाँ पर ये टेट्रार्ची है ये कॉलेप्स हो जाएगी यहाँ पर इन 308 AD में। क्या होता है यहाँ पर कि जब ये मर जाएगा, कॉन्स्टेंटियस का बेटा कॉन्स्टेंटाइन वन जिसको बोलते हैं यहाँ पर, सबसे बड़ा बेटा होता है, ये निकल कर आता है गेम के अंदर कि अब कौन बनेगा यहाँ पर रूलर। तो यहाँ पर सात रूलर्स हैं, मतलब जो सात सब यहाँ पर जो होते हैं दावेदार होते हैं यहाँ पर, उनमें से कॉन्स्टेंटाइन का बेटा कॉन्स्टेंटाइन वन बन जाता है यहाँ पर एम्परर ऑफ द वेस्टर्न एम्पायर, वो ईस्टर्न एम्पायर, वेस्टर्न का नहीं बन पाता यहाँ पर ये। मगर इसके पास आर्मी अच्छी होती है, और ये आर्मी के बलबूते पे ही क्या करता है, रोम के पे चढ़ाई कर डालता है, इन्वेट कर डालता है इसको, और जो वहाँ का रूलर होता है इसको मारकर ख़त्म कर डालेगा यहाँ पर। ठीक है, 1500-1312 के अंदर यहाँ पर ये इसको करके ख़त्म कर डालेगा यहाँ पर, जो वहाँ का एम्परर होगा। देन फिर हम देखते हैं भैया कॉन्स्टेंटाइन जब होगा तो वो देखेगा भाई यहाँ से तो बहुत हमला होता है, प्रोटेक्ट कर पा रहा रोम को बड़ा मुश्किल है यहाँ पर, और यहाँ के चक्कर में क्या होता है कि सारे जन निकल जाता है बार बार हाथ से मारे, तो हम छोड़ते हैं इसको और हम पहुँच जाते हैं यहाँ पे, और ये बाइजेंटियम बसाएगा शहर, जो बाइजेंटियम कहा जाता है इलाके को, और अपने और ये रखेगा उस जगह का नाम नया, द रोम, द न्यू रोम। और बाद में क्या होगा, शहर का नाम पड़ जाएगा कॉन्स्टेंटाइन, इसके नाम के ऊपर कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, और ये कैपिटल बनती है ईस्टर्न यहाँ पर एम्पायर की। देन ये क्या करेगा, वापस यहाँ से जो ये रीजन है राजधानी बन गई यहाँ पर, ये खो चुका है, इसको ये कैप्चर कर लेगा यहाँ पर, इतना कम से कम जो रीजन है इतना तो ये कैप्चर करेगा करेगा, बाद में एक्सपेंशन भी कहेंगे जो बहुत से रूलर आएंगे यहाँ पर, तो क्या होगा राजधानी खिसक के यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, ये चीज़ होगी यहाँ पर हिस्ट्री के अंदर इनके। देन हम देखते हैं कि जो इनकी दो डायनेस्टीज होती हैं, कॉन्स्टेंटिनियन और वेलेंटियन डायनेस्टी जो होती हैं, वो एम्पायर को बार बार बांटती रहेंगी यहाँ पर, कि एक साइड तुम रूल कर लो, एक साइड हम रूल करते हैं, भाई बाप ने कहा कि बेटा तू यहाँ पे कर, तू यहाँ पे शासन कर ले, वो चीज़ यहाँ पर चलती रहेगी यहाँ पर। तो दो सेंटर बन जाएंगे पावर के यहाँ पर, रोम और कॉन्स्टेंटिनोपल। मगर अब की बार क्या है, यहाँ पर जो मेन है वो कॉन्स्टेंटिनोपल है, मजबूत भी है, पावरफुल भी है यहाँ पर, इकॉनमी से भी और अपनी मिलिट्री से भी। देन यहाँ पे रूल आएगा जूलियन का। ठीक है, इसके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है इसके एडवाइज़र का, इसका नाम होता है मार्डोनियस। ठीक है, ये कहेगा भैया जो रिलीजन चल लिया है, जो कॉन्स्टेंटाइन में
लिखा था शायद या नहीं लिखा। तो कॉन्स्टेंटाइन जो रिलीजन एक्सेप्ट करता था क्रिश्चियनिटी, हम इसको हटाते हैं और जो हमारे पुराने धर्म है जो पैगन धर्म है हमारे यहाँ पे, जिनको कहते थे क्लासिकल रोमन हेलेनिस्टिक रिलीजन, इनको आपस से हम एक्सेप्ट करते हैं और देश के अंदर फैलाएंगे आपस से। हालांकि ये एक्सेप्ट करेंगे मगर ये कब तक रहेंगे जिंदा आखिर, जब ये हट जाएंगे गद्दी से यहाँ पर तो जो दूसरे एम्पर सक्सेसर एम्पर आएंगे वापस से क्रिश्चियनिटी को अपना लेंगे यहाँ पर। थियोडियस आएगा फिर यहाँ पर, थियोडियस के टाइम यहाँ पर बताया जाता है कि भाई 1595 के अंदर इसकी हो जाएगी मौत यहाँ पर, मगर जो इसके टाइम के अंदर ही जो ईस्टर्न वेस्टर्न सिस्टम जो था चल रहा था यहाँ पर वो चलता है, मगर अब क्या होगा यहाँ पर उसमें कमज़ोर होगा, फूट पड़ेगी यहाँ पर पहली बात तो चीज़ ये है। और जो ईस्टर्न साइड है वो चाहेगी कि हम वेस्टर्न साइड को कैप्चर कर लें बार बार, मगर वो करेंगे भी नहीं सही से क्योंकि बारबेरियन ट्राइब बहुत ज़्यादा हमला करती थी उसके ऊपर। तो यहाँ पर गोथ है, जर्मनिक ट्राइब है, ये लगातार 1595 की इनकी मौत के बाद अटैक करेंगे यहाँ पर, और फिर वो बातें भैया एम्पायर जो है वो टूट जाएगा फिर से एक बार, और जो कोशिश थी जोड़ने की वापस से वो फेल हो जाती है। कॉन्स्टेंटाइन चाहता था कि मैं जोड़ दूँ वापस से देश को वो एम्पायर को अपने, मगर थियोडियस मर जाएगा तो वापस से वो टूट जाएगा। देन आता है ग्रीस है, बाल्बन है, इसको ये ट्राइब जो है अटैक करेंगे यहाँ पर। ग्रीस कहाँ बता दूँ मैं आपको, ग्रीस कहाँ गया, ग्रीस यहाँ पर है ठीक है। बाल्कन स्टेट जो है वो ये वाले स्टेट होते हैं ग्रीस के ठीक ऊपर, ये जो आज के टाइम में जो तुर्की है, तुर्की के कंट्रोल में ये रीजन भी आता है ठीक है, इसको हम बोलते थे पहले अनातोलिया। ग्रीस यहाँ पर है, बाल्कन स्टेट यहाँ पर आपके आ गए, यहाँ पे लगातार इन्वेट करेंगे कौन लोग, यहाँ पर ही जो बार्बेरियन ट्राइब्स यहाँ पर हैं। देन हम देखेंगे भाई 1500-1410 के अंदर बहुत ही लगातार हमले होंगे रोम के ऊपर ठीक है। फिर एक निकल कर आएगा यहाँ पर जर्मनिक ट्राइब का रूलर जिसका नाम है विसिगोथ है, विसिगोथ आएगा अटैक करेगा यहाँ पर और कमज़ोर कर देगा इसको फिर से एम्पायर को, मतलब इसको जो वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड का जो यहाँ पर जो ये इन्फ्लुएंस है यहाँ पर इतने में इन्फ्लुएंस था, इसको करके इतने में ले आएगा और ये तक के छिन जाएंगे इनसे जो टापू जो सारे रीजन है यहाँ के। फिर आएगा यहाँ पर ओडेसर, ओडियासर जिसको बोलते हैं यहाँ पर 446 एडी में, ये अटैक करेगा रोम के ऊपर और रोम को ये चाहेगा अपनी बनाना कैपिटल कि भैया अब राज करेंगे हम, बारबेरियन ट्राइब पे राज करेंगे, जंगली लोग जो यहाँ पे राज करेंगे जिनको रोमन बोलते थे कि जंगली यहाँ पर ही है, थे तो भी इंसान मगर उनकी खुद की भी आर्मी अच्छी खासी होती थी, उनके ड्रेस देखोगे तो आपको लगेगा भी नहीं कि ये बारबेरियन है, ये बारबेरियन ट्राइब्स की फ़ोटो बनाने लगा रखे हैं तो ये कहीं से भी लग नहीं रहा कि बारबेरियन बारबेर जंगली लोग हैं, पर ही के वो कपड़े में चल रहे हैं, बाकायदा चीज़ें के पास थी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट थे फॉर के। तो ये आएगा और ये कहेगा जो आखिरी रूलर का नाम था रोमुलस, शुरुआत रोमुलस से होती है रोम की और रोमुलस पे एंड होती है यहाँ पर, रोमुलस अगस्टस इससे बड़ा तो गद्दी से हट और गद्दी से हट को हटाकर ख़त्म कर डालेगा वेस्टर्न रोमन एम्पायर को, और जो बाइजेंटाइन वाला एम्पायर है वो बच जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बाइजेंटाइन पर रोमुलस अगस्टस का रूल तो था ही नहीं, वहाँ का रूलर बिल्कुल अलग था इनसे। जो कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट है वो इस्टेब्लिश करता है बाइजेंटाइन को और कॉन्स्टेंटाइन 11 के टाइम में ख़त्म हो जाता है बाइजेंटाइन, सेम नाम का बंदा शुरू करता है सेम नाम के बंदे पर ख़त्म होता है यहाँ पर, कितनी क्या पॉइंट है एक तरह से यहाँ पर। सो यहाँ पर जो रोमन एम्पायर है, अलग अलग हिस्टोरियन मानते हैं कि अलग अलग टाइम पे जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है या फिर जो रोमन एम्पायर उसका अंत हो गया था, जो सबसे ख़ास इसके अंदर होता है वो होता है कॉन्स्टेंटाइन का टाइम, जब 330 में उसने कॉन्स्टेंटिनोपल को इस्टेब्लिश कर लिया और राजधानी को चेंज कर दिया अपने बचाने के चक्कर में यहाँ पर ठीक है, तभी गद्दी बैठता है 330 में इस्टेब्लिश होती है कॉन्स्टेंटाइन वो कॉन्स्टेंटिनोपल यहाँ पर। देन टाइम पता दूसरा टाइम जो होता है वो ये होता है थियोडोस का टाइम, जब थियोडोस मर गया यहाँ पर और इसने डीव्स के बच्चे जो होते हैं उनमें डिवाइड हो गया एम्पायर यहाँ पर आपस से। फिर तीसरा जो ख़ास पॉइंट है वो है यहाँ पर ऑगस्टस रोमुलस की मौत, इसको डाया गया और ख़त्म कर दिया गया, हालांकि बाइजेंटाइन है वो इस्टेब्लिश रहा क्योंकि रूलर तो अलग अलग थे दोनों जगहों के, मगर जो मेन था वो वेस्टर्न वायर साइड का नहीं था इस टाइम तक। तो ये चीज़ हो जाती है यहाँ पर और हो जाता है यहाँ पर एंड द रोमन एम्पायर, जो कभी ग्रेट रोमन एम्पायर था किस ज़माने के अंदर वो इस तरह से ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और अगर आपको बाइजेंटाइन एम्पायर की वीडियो देखनी हो तो आप जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, या फिर जो बटन होता है वहाँ पर मैं इसको लगा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।